पब्लिक टीवी आपकी आवाज। एमडीए बोर्ड की मंगलवार को 134वीं बोर्ड की बैठक संपन्न हुई। एमडीए सभागार में आयोजित इस बैठक में सोनकपुर योजना को नए सिरे से लॉन्च करने को लेकर सहमति बनी, तो वहीं 1250 हेक्टेयर भूमि में प्रस्तावित शिवालिक योजना के प्रथम चरण के कार्य को पूर्ण करने के लिए भी बोर्ड के द्वारा हरी झंडी दी गयी। वीसी मुरादाबाद शैलेश कुमार के द्वारा बताया गया कि सोनकपुर लेआउट प्लान पास कराया गया है, तो वहीं सिंगल हाउसिंग यूनिट जो डेवलपमेंट एरिया में है उनको भी अब विकसित करने और उनके नक्शे पास किए जाएंगे। इसी के साथ आशियाना कॉलोनी में विकसित किए जा रहे अंबेडकर पार्क को भी शहर को समर्पित करने के लिए सहमति बन गई है। एक दशक पहले एमडीए द्वारा लॉन्च की गई सोनकपुर आवासीय योजना के एक भी आवास और प्लॉट स्थानीय कुछ किसानों से विवाद के कारण नहीं बिक सके थे। अधिकारियों ने विवादों को अब सुलझा लिया है, जिसके बाद बोर्ड की बैठक में सहमति मिल गई है। देखिए, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की 134वीं बोर्ड बैठक का आज आदरणीय अध्यक्ष महोदय जो कि आयुक्त मुरादाबाद मंडल है उनकी अध्यक्षता में आज संपन्न हुई है। इसमें कुल 14 निर्णय लिए गए जो कि प्राधिकरण के दृष्टिकोण से और आम जनता के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने एक तो हमारी जो सोनकपुर योजना अपकमिंग है उसकी लेआउट प्लान को हम लोगों ने पास करवाया है और उस योजना के डेवलपमेंट का और उसकी लॉन्चिंग का मार्ग भी इससे प्रशस्त हो गया। दूसरा, जो कई तरह की समस्याएँ आम जनता को फेस करनी पड़ रही थी तो उसके अंतर्गत दो निर्णय हम लोगों ने इस तरह के भी कराए हैं, जिसमें एक जो सिंगल हाउसिंग यूनिट्स हैं अगर डेवलप्ड एरिया में सभी प्रकार की विकास संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हैं तो वहां नक्शा पास हो सकेगा। दूसरे, अगर किसी व्यक्ति ने अगल बगल किसी प्राधिकरण अप्रूव्ड कॉलोनी में प्लॉट लिया है तो उनकी अमलगमेशन का भी प्रस्ताव पास हुआ है। इसके अलावा जो हमारे बिल्डिंग बायलॉज हैं उसमें कुछ संशोधन किए गए थे गवर्नमेंट के स्तर पर, उनका भी अंगीकरण करवाया गया है। साथ ही साथ जो हमारी नई योजना शिवालिक के रूप में आ रही है वहाँ पर भूमि क्रय का काम शुरू किया जाना है, तो उसके लिए भी जो है तकनीकी कंसल्टेंट की नियुक्ति के लिए भी प्राधिकरण बोर्ड द्वारा हरी झंडी दी गई है। इसके अलावा एकता विहार में हमारे पास लिटिगेशन से फ्री होकर के कुछ 8 एकड़ के आसपास नई जमीन लोगों को मिली थी, तो उसके भी नियोजन का प्रस्ताव आज यहाँ पर पास हो गया है, जिससे कि भविष्य में जो है करीब 100 करोड़ की जो संपत्तियाँ हैं वो भी जो है आम जनता के उसके लिए उपलब्ध कराई जा सकती हैं। अब एकता विहार का जो आपने बताया है, एकता विहार वाला भी कोशिश ये है कि शीघ्र ही उसका जो है कॉस्टिंग इत्यादि का काम पूरा करके अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में लोग उसको लॉन्च करने की स्थिति में आएंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।